सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक नोटिस आया है, आप लोग देख सकते हो, बीएबीएससी का ये, लेकिन बाकी बीएबीएससी सेमेस्टर 3 का नोटिस है, रिजल्ट निकलने वाला 9 तारीख को, ठीक है। बट ये इनडायरेक्टली आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का जो रिजल्ट आने वाला बीकॉम सेमेस्टर 3 का, वो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, विद इन 15 आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोग आप उतना भी टेंशन मत करो, ठीक है ना। नॉर्मली जैसा रिजल्ट हो किए हो, एग्ज़ाम दिए हो, वैसा ही रिजल्ट आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। और आप लोग का गारंटेड है कि 15 के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे बीएबीएससी का आता है उसका एक हफ्ते के अंदर बीकॉम का भी आ जाता है सेमेस्टर 3। और बीकॉम सेमेस्टर 1 का आप लोग को एटलीस्ट 2025 तक वेट कर लेना पड़ेगा कि उसका भी रिजल्ट, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी लेट हुआ था, तो मे बी उसी ट्रेंड के हिसाब से चले तो थोड़ा सा डिले हो सकता है सेमेस्टर 1 का रिजल्ट का, ठीक है ना। तो ये साथ साथ है, ये तो पता चल गया, बट एक और आज नोटिस आया है जो कि आप लोग का रिलेटेड किससे है कि यहाँ पे सेमेस्टर 6 का ये एग्ज़ाम शेड्यूल दे दिया गया है, सेमेस्टर 6 का बीकॉम बीएससी जो भी हो, और वो स्टार्ट हो रहा है आप लोग का जुलाई में, जुलाई स्टार्टिंग, जून के कुछ कुछ एग्ज़ाम जून एंड से स्टार्ट हो रही है, फिर जुलाई के फर्स्ट में स्टार्ट हो जा रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है, ये चीज़ सब मिल जाएगा। तो इसका सेम सिक का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो आप लोग का जुलाई के फर्स्ट में हो रहा था। आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा सेम फोर मान लो या फिर सेम टू मान लो, वो एग्ज़ाम ऑब्वियसली आप लोग पकड़ के चलो जुलाई एंड या जुलाई के मिड या ट्वेंटीज़ में ही आप लोग का होगा, उससे लेट नहीं करा, क्योंकि अगस्त में फिर सारे कॉलेज के एडमिशन्स चालू हो जाएंगे, तो प्रोबेबली कॉलेज उस टाइम में नहीं ले पाएगा, क्योंकि जुलाई में ही, जुलाई एंड तक कॉलेज के एडमिशन्स मतलब फॉर्म फिलअप चालू होगा, और जुलाई के एंड मतलब अगस्त के स्टार्टिंग से फॉर्म मतलब सारा एडमिशन चालू होगा, तो मे बी हमको लगता है उस वक्त नहीं होना चाहिए, आप लोग का जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, मे बी तुम आप लोग का एंड के टाइम में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर मिड या एंड, तो वो पकड़ के चलो, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। और जितना भी हो सके हर सब्जेक्ट का हम सजेशन देते रहेंगे, और सजेशन बिल्कुल मेरा पढ़ना, बहुत ही इफेक्टिव होगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। और सजेशन कहाँ मिलेगा, मेरे ही चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या और सजेशन और भी बहुत कुछ स्टडी मटेरियल मेरे टेलीग्राम पे भी मिलता है, तो टेलीग्राम सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लेना मैं चैनल का नाम, वहाँ ज्वाइन कर लेना, आप लोग को स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, और एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम के पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे, एग्ज़ाम होने के बाद जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आया, तो उसके सोल्यूशन भी इमीडिएटली आप लोग को मिल जाते हैं, कि आप लोग एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने क्या किया है, तो वो भी एक चीज़ पॉजिटिव पॉइंट मेरे चैनल में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच।